कभी माँ नहीं बन सकती। दीप्ति, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने पति से बात छुपा के। डॉक्टर साहब, मैं आपकी क्लाइंट और मैं ही आपकी फीस भरती हूँ, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी प्राइवेट बात प्राइवेट ही रखें। ओके ओके। हेलो। हाँ धवल, बस अभी अभी पार्लर से फ्री होके आई हूँ। हाँ हाँ, मैं घर ही पहुँच रही हूँ। ठीक है, बाय। थैंक यू। अरे तू, इतने सालों बाद, याद है लास्ट टाइम भोपाल में मिले थे, याद है ना? नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं नेहा। हाँ पागल हो गया है क्या तू? साहब, मेरी बीवी मेरे को ढूंढ के दे दो साहब, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे यार, तू फिर आ गया? तेरे को कितनी बार कहा, तेरी बीवी आग में जल के मर चुकी है। नहीं मानता मैं, नहीं मानता। जिंदा है मेरी बीवी, जिंदा है वो। अब छोड़िए, बैठिए आप, आराम से बैठिए, मैं देखता हूँ। यार क्यों चलाता है बार बार? क्यों चलाता है बार बार, मतलब अब आपके पास नहीं होते, किसके पास जाऊंगा? पुलिस वाले ना, तो हमारा काम कीजिए। बीवी चली गई ढूंढने ना उसे। अरे भाई, दिए कोई टाइम है थाना में आने का? कल सुबह ना बात करेंगे, जा। थाना 24 घंटे चलता है सर, सुबह आना बात करना, सुबह आना बात करना। अरे पुलिस वाला, अपनी ड्यूटी करो ना सही सही। मेरी बीवी ना, आपको क्या पड़ी है? क्या पड़ी है आपको? I love you. देखो वापस आ जाओ। प्लीज आ जाओ, प्लीज प्लीज, इनके ऊपर भरोसा नहीं मुझे। तुम आ जाओ, अपने आप आ जाओ, अपने आप आ जाओ। मनोहर, अभी भी समय है तुम्हारे पास। सच सच बता दो कि तुम पैसे तुमने ही लिए। साहब, मैंने चोरी नहीं की साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पूरे 1,00,000 रुपए चुराए इसने, लेकर जाइए इसे। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है साहब। पैसे ना मैंने लिए ना दीप्ति ने, तो फिर तुमने ही चुराए होंगे ना पैसे। साहब, मैं सच कहता हूँ, लेकर जाइए इसे। साहब, मैंने नहीं चुराए साहब। साहब, ये पूरे 1,00,000 रुपए। थैंक्स नेहा, सॉरी दीप्ति, सच
में भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखना मुझे पैसों की कितनी जरूरत थी और तू मुझे मिल गई है ना। देखो आज की बात ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें, ओके? अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे धोखे के बारे में और तेरे पास्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, विश्वास कर। मैं चलती हूँ, बाय। सुनते वो खिड़की के बाहर कोई है ऐसा लग रहा है, जरा देखो ना। अरे कोई नहीं होगा, तुम चाय लाओ ना मेरे लिए। जी आप? पापा जी वो मैं नेहा। आप अभी यही सोच रहे हैं कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं? और ये क्या हालत बना रखी आपने? क्या जरूरत थी उसे यहां ले आने की इस हालत में? तुम बात को समझा करो, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। आइए दामाजी बैठिए। पापा जी अगर आप एक बार पुलिस स्टेशन चलेंगे तो सही होगा, पुलिस वाले आपकी बात सीरियसली लेंगे। देखिए दामाजी, नेहा की माँ भी अब इस बात को मान चुकी है कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, नेहा की लाश वहां नहीं मिली थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वहां जो कुछ भी था वो सब जलकर खाक हो गया था। अब आप भी इस बात को मान लीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दामाजी ठीक है, मैं कल मिलती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। धवल आप इतने टेंशन में क्यों हो? मैं पुलिस वालों ने मनोहर से इतना पूछा लेकिन वो कब बोलने को तैयार ही नहीं है कि पैसे उसने लिए। हाँ ऐसे लोगों पे ना भरोसा करना ही गुनाह है, इन लोगों का ना कोई ईमान होता है और ना कोई धर्म। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आजकल। आप ऐसे क्यों कहते हो? आपको मुझ पे भरोसा है ना, और मुझे आप पर, हमें और क्या चाहिए? अब अच्छा सुनो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल मैं वो प्लॉट देखने जाऊं, वो शर्मा आंटी बता रही थी ना। कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, संडे को चलते हैं ना साथ में। क्यों आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम भी भरोसा नहीं होगा तो और किस पर होगा?
नेहा, 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 नेहा सुनो, नेहा। Excuse me, क्या कर रही हैं आप? नहीं, मुझे लगा कि आप मेरी बीवी हैं। अरे ऐसे कैसे लग गया आपको बीवी है? बदतमीज इंसान। मेरी बीवी घूम हो गई। तो बीवी क्या? तो क्या? क्या? क्या हुआ सिमी? क्या हुआ? ये देखो ना। नहीं, मुझे लगा मेरी बीवी थी। तेरी बीवी थी? नहीं बताओ तेरी। मैं विश्वास कर रहा हूँ साहब। तुझे क्या लगता है तेरी बीवी जिंदा है? उस चक्कर में तू पूरे भोपाल को परेशान करेगा? मेरी बात मानिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी नेहा को देखा है। मैं क्यों ऐसे कुछ बोलूंगा आपको बताइए। आप सब मिले हुए, आप सब मिले हुए, कोई साजिश रचा? मनोज इसे डाल दो अंदर, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। अरे सर जाने दीजिए, पागल है ये, पागल है। देख मेरा पेशेंस चेक मत कर, समझा तू? इसे ले जाओ यहाँ से और दोबारा ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझा? सर मैं देखता हूँ, आप जाइए, आप जाइए ना। मैं सच कह रहा हूँ, ये सर समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अपनी बीवी ने आपको देखा, मैं क्यों खामोश? चुप, अभी चल, चल, निकल। अरे लेकिन क्या सच की कोई कीमत नहीं है क्या? अभी जा, अभी जा, अभी क्या मतलब क्या कोई सच देखने तैयार है? अरे देखेंगे ना, चलो निकलो। अरे नेहा ये तो सही नहीं कर रही है। मैं देखता हूं। अरे हमें तुम, मैंने उसे देखा, वो यहां आई क्या? मैंने उसे देखा, वो यहीं आई होगी। आई क्या? कौन? नेहा और कौन? मैंने आज उसे बाजार में देखा। अगर आपके पास कोई भी जानकारी होगी नेहा के बारे में, आप मुझे बताना। बताएंगे ना? बताएंगे ना? नेहा मर चुकी है। टॉयलेट यूज कर सकता हूं मैं आपका? टॉयलेट? भाई साहब आपने किसी को देखा है क्या? मैंने कहीं देखा नहीं है। अरे भाई साहब आपने हमारी वाइफ को देखा है क्या कहीं? दीदी आपने कहीं देखा है क्या? भाई साहब ये मेरी वाइफ है, आपने कहीं देखा है यहाँ पर? भाई साहब ये मेरी बीवी है, आपने कहीं देखा है क्या? तुम्हें कुछ आइडिया है कि तुम क्या से क्या बन गए हो? मरने वाले थे। सर मुझे एक बार नेहा से मिला दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, प्लीज। एक बात बता, तुमने सच में नेहा को देखा था? हाँ सर सच में, मैंने सच में नेहा को देखा था सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि जिस लड़की को तुमने देखा हो नेहा जैसी हो। देखिए मैं उससे मिल नहीं सका। मैं तुझे पर्सनल तौर पर हेल्प करूंगा नेहा को ढूंढने में।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक वादा करो, तुम कभी शराब नहीं पियोगे और पुलिस स्टेशन आकर किसी को परेशान नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ सर, मैं नहीं पीऊंगा सर, बस एक बार मुझे नेहा से मिला दो सर प्लीज। नेहा का रिश्तेदारों का और उसके दोस्तों का पता और नंबर दो और नेहा का फोटो भी। हेलो, क्या बात है धवल, आप ऐसे क्यों पड़े? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पुलिस स्टेशन से? उन्होंने मनोहर को छोड़ दिया है क्योंकि तुमने एफआईआर वापस ले ली है। हाँ, वो दरअसल मैं। और तुमने ये भी कहा कि वो पैसे तुमसे मिसप्लेस हो गए। धवल, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन दीप्ति, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। इस तरह से मैं आपको बताने वाली थी धवल। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। दारू तो नहीं पी रखी है? अरे नहीं सर, मैंने आपसे वादा किया है, क्यों पीऊंगा मैं सर? देखो, मैंने आसपास के हर एक पुलिस स्टेशन में नेहा की फोटो भिजवा दी थी। इंदौर के राजवाड़ा एरिया में उससे मिलती जुलती लड़की देखी गई है। राजवाड़ा एरिया से? हाँ, अभी वही लड़की है जिसे तुमने देखा था, वो मुझे नहीं मालूम। सर आपने इतना मालूम किया है, बाकी का मैं पता करवा लूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें की कोई खबर है क्या? क्यों, क्या हुआ? बड़ा शौकीन आदमी लगता है। रेडी है क्या? क्या कर रहे हैं?
छोड़ दो। अरे छोड़ क्या? पी। अरे एक सिप ले तो। नहीं। अरे ले ना। नहीं, नहीं। मेरा ड्रिंक गिरा दिया तूने। मेरा ड्रिंक गिरा था। नहीं, ड्रिंक गिरा दिया। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं मैंने। एक रिसर्च से पता चला कि सन 2013 में पूरे एशिया में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के कुल 3 लाख मामले दर्ज किए गए। एक साल में 3 लाख अपराध, जिनमें से 2 लाख मामले तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के थे। सवाल यह उठता है कि अमय जैसे वो तमाम अपराधी जो बार बार लगातार घरेलू हिंसा करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग बिना झिझक बिना डर इस हिंसा को करने की आजादी महसूस करते हैं। अगर एक वाक्य में कहूं तो पीड़िताओं और उनके परिवार वालों की चुप्पी। दीप्ति ने अगर शुरू में ही कानून की मदद ली होती तो उसे अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। याद रखिए, कानून ऐसे मामलों में बहुत सख्ती से पेश आता है, और अब तो हमारे देश में घरेलू हिंसा को एक गैर जमानती अपराध करार दे दिया गया है। तो इसके बावजूद ये चुप्पी क्यों? अब उसका फोन ही नहीं लगा तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार कांटेक्ट कर लूं। हे भगवान, ये क्या किया आपने? हेलो, इंदौर पुलिस। हाँ, मैंने आम्या नामक आदमी का एक फोटो भेजा है, आप उसका पता लगाइए। इट्स अर्जेंट। कबर्ड से मिला। मैं आपको बताने वाली थी। कब? तुमने तो अपने डॉक्टर से बोल के रखा था कि मुझे कुछ नहीं बताना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताने वाली। क्या समझने की कोशिश करूं कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो? पता नहीं और क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने मुझसे। प्लीज मेरी बात गवर्न, प्लीज। मामू यहाँ तक पहुंच गए। क्या? मामू मुझे मार डालने का। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे बोल डालने का माँ। मामू यहाँ तक पहुंच गए, मामू मुझे मार देगा माँ। नहीं, आप परेशान मत हो। हम देखते हैं बेटा, वो घर तो नहीं है ना? सर प्लंबर। वो मुझे ढूंढ लेगा माँ, मैं जानती हूँ उसको। हेलो, हेलो। नंबर आ गया, काम शुरू करें। हेलो मनोज जी। हाँ जी बोलिए। अमेर यहाँ तक पहुंच गया है। बांधो से। क्या? गले बांधो से। गले में लगाओ। क्या क्या क्या? जल्दी बांधो।
गुड गर्ल। क्या है, क्यों घबरा रही हो इतना? तुम को देखकर घबरा रही हो? खून तुम्हारा नहीं है तो मत घबराओ। हाँ एक मिनट मरने से पहले पति देव से तो बात हो जाए और उनको बोलना क्या यही कि तुमने कितना झूठ बोला है उनको, सच सच उनको कहना कि तुमने उनको कितना बड़ा झूठ बोला है। स्पीकर पे बात करो। हेलो हेलो धवल, धवल मुझे प्लीज माफ कर दो धवल, मैं तुमसे बहुत झूठ बोला धवल, प्लीज मुझे माफ। गया धवल गया, जल्दी में लग रहा है। मरने के लिए तैयार? मरने का शौक है ना, आज मैं अपनी बीवी का शौक पूरा करूंगा। एक मिनट रुके, चलो डालो। देखिए लाश पूरी तरीके से जल गई है, मैं दिखा नहीं सकता, प्लीज बहुत बुरी तरीके से जल गई है। अत्याचार से मुंह नहीं मोड़ते और समय से पुलिस में कंप्लेन करते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज माफ कर दो धवल, मैं तुमसे शतुरमुर्ग जो होता है ना, उसे जब खतरे का एहसास होता है तो वो अपना सर गड्ढे में दुबका लेता है। उसे लगता है कि अगर उसे खतरा नहीं दिख रहा है तो खतरे को वो दिखाई नहीं देगा। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही करते हैं, डर से लड़ने के बजाय उससे भागते हैं, नजरें चुराते हैं, जैसा कि दीप्ति के माँ बाप ने किया। अमय का सामना करने के बजाय उससे बचते रहे, इस उम्मीद में कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमारी इसी कमजोर सोच का खामियाजा भुगतते हैं हमारे अपने। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सर, यही आदमी है जिसने दीप्ति का कत्ल किया है। आइए आप लोग मेरे साथ आइए, आइए आइए। देखिए
ये आदमी कल रात से अंदर बंद है दारू पी के नाटक करने के चक्कर में, और उसी के आसपास दीप्ति की मौत हुई। आप लोग आ गए मुझे छुड़वाने के लिए। मम्मी जी, पापा जी। अरे शर्मा जी, बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को कि आप ही ने मुझे यहाँ भेजा था नेहा को मिलने के लिए। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर छोड़ूंगा नहीं, इसे बचाइए सर, मुझे छोड़ूंगा जी, छोड़ूंगा नहीं सर, सर बचाइए मुझे सर, छोड़ूंगा नहीं। चलिए नहीं छोड़ूंगा। आप कानून के आदमी हो, करके कानून को आपने ले रहे। सर ये एक नंबर का झूठा है, इसी ने दीप्ति का कत्ल किया है। लेकिन है इसके खिलाफ कोई सबूत आपके पास? कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। होल्ड ऑन, लॉकअप से बाहर निकालो और आप लोग आइए मेरे साथ। कम कानून को हाथ में लेना अच्छा नहीं होता शर्मा जी। लड़के को देखा है क्या? हाँ सर, ये तो चला गया। कहाँ गया होगा, कुछ आइडिया? हाँ सर, वो कुछ घर वगैरह किराए पर लेने की बात कर रहा था। कुछ अजीब सा किया था आदमी ने ना? हाँ सर, वो एक दिन एक लड़की को लेकर आया था, कुछ अजीब सी थी, लेकिन मैंने उसको वापस जाते हुए नहीं देखा। और कुछ? सर जब वो आया था तो उसके पास सामान कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जब गया तो सामान ज्यादा था उसके पास। साफ पापी पेट के लिए ऐसा धंधा करना पड़ता है। इस आदमी को देखा है तुमने? नहीं साहब। कितने दिन हो गए तुम्हारी बेटी गायब हुए? साहब 2 दिन। देखिए वो लाश नेहा की है या नहीं, ये तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यस सर, थैंक यू। हेलो, चल 2 पैक बना फटाफट। कैसा भुलक्कड़ हूँ मैं, कैसा भुलक्कड़ हूँ ना मैं तेरे को बोल रहा हूँ पैक बनाने के लिए, तू कैसे बनाएगी? तेरे तो हाथ बंद हो। मैं बनाता हूँ हम दोनों के लिए, मजा आएगा। पता नया, मैं हमेशा से एक सपना देखता था कि तू और मैं दोनों साथ में बैठ के पिएंगे, है ना? साथ में पीने से ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, प्यार ही प्यार, सिर्फ कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। हेलो, चीयर्स। अरे मार्च, पी बोला ना तेरे को, पी पी। बस बहुत हो चुका। क्या? अब मैं तुझसे नहीं डरती। क्यों कर लोगे तुम? मारोगे ना मुझे? मारो मारो मुझे। तुझे कैसे मारूंगा मैं? तेरा पति हूं मैं, आई लव यू, तुझे क्यों मारूंगा मैं? हाँ तो
तू मुझे नहीं मार सकता। जानता है क्यों? क्योंकि तू एक कायर है, शराबी है तू, और अब मुझे तुझसे डर नहीं लगता, नहीं लगता। मुझे? हाँ। डर नहीं लगता मुझे? तुझे दिखाता हूँ कि डर क्या होता है। नहीं 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 छोड़ दो मुझे, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं जाने दो मुझे। बहुत सामान निकल गए तेरी। हाँ मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने, मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने, अब तू गई, अब तू गई, गई तूने। शर्मा जी गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक बेकसूर की जान ले ली है। आईपीसी के सेक्शन 498 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जुर्म जब जिंदगी में पहली दस्तक देता है, अगर इंसान तभी उससे लड़ने का साहस जुटा ले तो जिंदगी आसान बन जाती है। अपराध कई बार हमारी लापरवाही से भी जन्म लेते हैं, जैसा कि दीप्ति के साथ हुआ। दीप्ति के माता पिता ने अमय का सामना करने के बजाय उसके बर्ताव को नजरअंदाज किया, परिणाम अमय इतने बड़े अपराध को अंजाम दे बैठा। हम सबके लिए यही सबक है कि अगर हम समय रहते अपनी गलती सुधार लें, सतर्क हो जाएं, तो जुर्म से बच सकते हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।